असम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। खड़गे ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में कई चूक हुई हैं। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक को निर्देश देने की मांग की है ताकि राहुल गांधी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। खड़गे की चिट्ठी में राहुल गांधी की सुरक्षा में हुई 5 घटनाओं का जिक्र किया गया है। इनमें से पहली घटना 18 जनवरी को शिवसागर जिले के अमीगुरी में हुई थी। उस दिन पुलिस भाजपा के पोस्टरों की सुरक्षा कर रही थी, जबकि कांग्रेस की यात्रा को सुरक्षित रास्ता देने में विफल रही थी। दूसरी घटना 19 जनवरी को लखीमपुर में हुई थी। उस दिन भाजपा से जुड़े कुछ उपद्रवी कांग्रेस की यात्रा के बैनर पोस्टर फाड़ते और उन्हें उखाड़ते हुए पकड़े गए थे। तीसरी घटना 21 जनवरी को सोनितपुर जिले में हुई थी। उस दिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के साथ धक्का मुक्की की और जयराम रमेश की कार पर हमला किया। सोनितपुर के पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री के भाई हैं। इसी दिन सोनितपुर जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के काफिले को रोकने की कोशिश की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा पर हमला किया। पांचवी घटना 22 जनवरी को नगाम जिले में हुई थी। उस दिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के काफिले को रोका और उनके बेहद करीब आकर उनके लिए असुरक्षित माहौल बना दिया। खड़गे ने कहा कि इन घटनाओं से यह स्पष्ट है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर भाजपा समर्थक खतरा पैदा कर रहे हैं। उन्होंने अमित शाह से मांग की है कि राहुल गांधी को जेड जोड़ सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।